अशोक तंवर ने जो कांग्रेस छोड़ी, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत मेहनती व्यक्ति अशोक तंवर जी, उनने अपने और से जहाँ कांग्रेस के अंदर लोग एक तरफा पार्टी को कैप्चर करने का प्रयास करके संगठन को खड़ा किया, अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर कांग्रेस खुद अपने आप को खत्म करने के प्रयास बीजेपी में आ सकते हैं। हमारी पार्टी में तो सबका स्वागत है, कोई भी वक्ता सामाजिक हो, मेहनती हो, हम उनको तय दिल से स्वागत भी करेंगे। 11 महीने पहले बनी पार्टी है और आपने देखा एक एक व्यक्ति जो आया है कहीं ना कहीं उसका सामाजिक योगदान भी बहुत रहा, राजनीतिक योगदान भी रहा, और उस राजनीतिक सामाजिक योगदान के साथ साथ हमने ऐसे साथियों को चुना जिनमें बदलाव लाने की शक्ति है, और जो भी व्यक्ति बदलाव लाना चाहते हैं उनका जो पार्टी छोड़ के चले गए थे वो दोबारा वापसी करेंगे तो क्या घर है उनका, कई बार लोग पुराने घर से सेवा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक में पहले भी हमें बंदर कहने का काम किया था, आज उसका हालात देख लो। और ये गलती मत करना दोबारा, ये युवा ताकत है, वोटों की 56%, ये हमारे बूढ़े आज भी 16-16 साल के जवान 16 से ज्यादा मेहनत करने का दम रखते हैं। जिस दिन ये वानर सेना बन के मैदान में उतर गए, ऐसा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में लेकर आने का काम करेंगे जो 1987 में चौधरी देवीलाल जी लेकर आए थे। और मैंने सुना कल अपने उच्चारण में टिप्पणी करेगी तो आंखें दिखाए, आंखें निकाल ले। साथियों, ये फोड़न फाड़न वाला काम इन दोनों छोड़ दो, अपने तो पक्के हाथ लगा लो, प्यार से गले मिला ले और एक एक वोट न जोड़ लो। हमने जोड़ने का काम करना, किसी को फोड़ने का काम नहीं करना, ये तो इनकी आदत है। पहले भी इसी तरह के काम करते रहे, मगर आप लोगों की ताकत ने हमेशा मजबूती देने का काम किया है। और आज भी अनुरोध करता हूं इस ताकत को एक कर दिखाओ। मैं तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, मगर यहां पर अगर किसी ने जिम्मेवारी संभाल ली है तो दुष्यंत नहीं, दुष्यंत के रूप में आप सबको एक एक घर में जाकर संभालने का काम करना। वैसे मेरी माताएं खड़ी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, वोटों का आधा हिस्सा तो आपका भी है, अपनी ताकत दिखाओ और इस बार मोर्चा मार दे, चूल्हे चूल्हे तक जाके वोट मांगा। और जिस दिन आप चूल्हे तक जाकर वोट मांग के आने लग गए, ये गारंटी है कि आप फोड़न की बात करेंगे और हम इनको इस हलके से बाहर तोड़ाने की बात करेंगे। साथियों, मैं तो यही विनती कर सकता हूं क्योंकि आगे सुहाणा की और फतेहाबाद की दो नॉमिनेशन, समय कम है। इस कम समय के अंदर आज से ही इस चुनाव को गति दे दो, घर घर जाओ, और घर घर जाओगे तो कहीं ना कहीं और ताकत और मजबूती के साथ अपने संगठन की चाबी को बचाने के काम करोगे। तुम्हारे पुराने वाले साथी भी रह लिए, बता दियो रतास का आज ब्याह भी है, इसमें बधाई भी दे दियो, शुभ दिन है, शायद मुर्गा मेरे आगे भी मार दे। मेरा गिनती है, आज जो लड़ाई है, आज आपका मुकाबला है, आपका मुकाबला सत्ता में बैठे राउंड की सरकार से है। और इसको जिस तरीके से इस सरकार ने 5 साल हमारे भाईचारे को, हमारे प्रदेश को हमें बांटने का प्रयास किया है, साथियों इधर आज भी तोड़न फोड़न की बात करते हैं, बांटो मत, एक हो, एकता दिखाकर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करो। मैं तो विधायक जी का, पार्टी के तमाम अपने हलके के एक एक साथी का, क्योंकि नाम लूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, जो इस हलके की रीढ़ की हड्डी है, एक एक कार्यकर्ता साथी का आज इतनी भारी संख्या में आने पर आभार प्रकट करता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक तंवर ने जो कांग्रेस छोड़ी, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत मेहनती व्यक्ति अशोक तंवर जी,
उनने अपनी ओर से जहाँ कांग्रेस के अंदर लोग एक तरफा पार्टी को कैप्चर करने का प्रयास करके संगठन को खड़ा किया, अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर कांग्रेस खुद अपने आप को खत्म करने के प्रयास तो बीजेपी में आ सकते हैं। हमारी पार्टी में तो सबका स्वागत है, कोई भी वक्ता सामाजिक हो मेहनती हो हम उनको तय दिल से स्वागत भी करेंगे। 11 महीने पहले बनी पार्टी है और आपने देखा एक एक व्यक्ति जो आया है कहीं ना कहीं उसका सामाजिक योगदान भी बहुत रहा, राजनीतिक योगदान भी रहा, और उस राजनीतिक सामाजिक योगदान के साथ साथ हमने ऐसे साथियों को चुना जिनमें बदलाव लाने की शक्ति है, और जो भी व्यक्ति बदलाव लाना चाहते हैं उनका हम जो पार्टी छोड़ के चले गए थे वो दोबारा वापसी करेंगे तो क्या घर है उनका, कई बार लोग पुराने घर से